गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर रहे थे, है ना। प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट में ये साइड का सेक्शन सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, ये सब देख चुके थे। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किस तरह का हेड हैं वो देख चुके थे। फिर इस पैराग्राफ पे देख चुके थे कि अपॉइंटमेंट किनका किनका होता है प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से कंटिन्यू करना है, वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर, इस जगह से कंटिन्यू करना है। तो ध्यान देना अब यहाँ से, बट वी शुड रिमेम्बर डेट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किस बात का, किस एडवाइस का बात कर रहा है, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन और बड़ा बड़ा ऑफिसियल्स, ठीक है, तो वो सारे ऑफिसियल्स का जो नाम रहता है वो पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्कस हो जाता है और उसके बाद रिकमेंडेशन जाता है प्रेसिडेंट के पास कि आप इन लोगों का नियुक्ति कर दीजिए और वो फिर सिग्नेचर अपना कर देते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फॉल्ट है, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करेंगे कि भाई आप अपना डिसीजन का रिव्यू कीजिए, मतलब अपना डिसीजन पे पुनः विचार कीजिए। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवेन अगेन सी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो किसी तरह का कोई पुनः विचार नहीं करता है और फिर वही सिफारिश को आगे बढ़ा देता है, तब यहाँ पर प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर फिर प्रेसिडेंट ओबलाइज्ड है कि उन्हें सिग्नेचर करना होगा। सिमिलरली अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट टू इट। इसी तरह क्या होता ना कि कोई भी बिल पास होता, बताए थे ना पिछला लेक्चर में, समझा रहे थे कि कोई भी कानून जो बनता है उससे पहले उसको क्या बोलते, बिल बोलते है ना। एक पेपर पर लिखा हुआ दस्तावेज रहेगा ना कि इस कानून में क्या किया चाहिए, तो उस दस्तावेज को क्या बोलते, बिल बोलते है ना, उस डॉक्यूमेंट को बिल बोलते। और फिर वो बिल पे जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता तब वो क्या बन जाता, लॉ बन जाता। तो वही लिखा हुआ, व्हेन द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट टू इट। एसेंट मतलब अपना सिग्नेचर करके समर्थन देना। इफ द प्रेसिडेंट वॉन्ट्स सी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। अगर इस बिल में किसी तरह का प्रॉब्लम दिख रहा हो प्रेसिडेंट को, तो वो फिर पुनः विचार के लिए इसे रिटर्न भेज सकते हैं, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रिटर्न भेज सकते हैं कि आप इसे रिकंसिडर कीजिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ पे फिर वही सेम चीज अप्लाई होगा, अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकंसिडर नहीं करता बात को, तो फिर प्रेसिडेंट जो है ओबलाइज्ड है कि उन्हें एसेंस अपना देना ही होगा, है ना, सिग्नेचर करना ही होगा, ठीक है। आगे देखो, बट इफ पार्लियामेंट passes the bill again, she has to sign it. वही बात है ना। तो यहाँ पर क्या हम लोग सीखे कि अगर प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बीच में किसी एडवाइस में, है ना, किसी मुद्दा पर सहमति नहीं बन पा रहा है, ठीक है, और प्रेसिडेंट उसे रिकंसिडर करने के लिए भेजते हैं और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर रिटर्न उस चीज को सेम भेज देता है, ठीक है, तब क्या होगा कि प्रेसिडेंट ओबलाइज्ड है, उन्हें सिग्नेचर करना ही होगा, ठीक है। आगे देखो, सो यू मे वॉन्डर वॉट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। अब ये सोचने वाली बात है कि प्रेसिडेंट रियली करते क्या है, ठीक है, जब ये बार बार ओबलाइज्ड हो ही जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन पे, तो फिर ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते क्या है ना। कैन सी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल, ठीक है, क्या वो कुछ कर सकते हैं अपना डिसीजन पर पूरा पूरी
There is one very important thing she should do on her own. Appoint the Prime Minister. ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, वो पूरा पूरी उनका पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं. कब? कंडीशनल है. When a party or coalition of parties secure a clear majority in the elections, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha. बस ये सिर्फ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, है ना? ठीक है, देखो फिर अब आगे. ध्यान देना, when no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretion. Discretion मतलब क्या होता है, इस वर्ड को समझो पहले, है ना? डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि अपना बुद्धि के अनुसार, है ना, मतलब आप अपना डिसीजन लीजिए. ठीक है, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या किसी के डिसीजन का रिकमेंडेशन को कंसीडर नहीं करना है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पर आप टोटली फ्री हैं कि अपना बुद्धि से डिसीजन लीजिए, तो ये डिस्क्रिशन पावर बोलते हैं. ठीक है, तो वैसा डिस्क्रिशन कब लेते हैं प्रेसिडेंट? कब? व्हेन नो पार्टी नो कोलिजन गेट्स मेजोरिटी इन द लोकसभा. जब लोकसभा का इलेक्शन में, ठीक है, कोई पार्टी पूरा मेजोरिटी वोट में नहीं आया कि वो सरकार बना सके, और कोलिजन गवर्नमेंट मिलके भी सरकार बनाने योग्य नहीं सीट है. ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपना डिस्क्रिशन यूज करते हैं, है ना, अपना डिस्क्रिशन यूज करते हैं. डिस्क्रिशन मतलब वही अपना बुद्धि के अनुसार शक्ति इस्तेमाल करना कि किसे अपॉइंट करना. आगे पढ़ते समझ में आ जाएगा. डिस्क्रिशन, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा. तो वो किन्हें अपॉइंट करते हैं लीडर? फिर वो लीडर ऐसे पार्टी के लीडर को अपॉइंट कर देंगे कि जिनपे उन्हें ट्रस्ट हो, लगे कि ये अपना मेजोरिटी सपोर्ट दिखा सकता है लोकसभा में. ठीक है, इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. और फिर क्या होगा कि अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि आप अपना मेजोरिटी प्रूफ कीजिए, है ना, एक तय सीमा के अंदर. मान लो 15 दिन बोले कि 15 दिन के अंदर आप अपना मेजोरिटी शो कीजिए. तो इस तरह से प्रेसिडेंट फिर आगे अल्टीमेटम देंगे, है ना. अभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का बारे थोड़ा पढ़ लो. पता है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है? देखो, प्रेसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हर एक प्रेसिडेंट ऐसा नहीं होता. ठीक है, सिर्फ इंडिया में जो है प्रेसिडेंट का पावर ये नॉमिनल है. ठीक है, नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम मात्र का, है ना. ठीक है, लेकिन पूरा वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता. इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, बहुत सारा जगह पर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है ना वो हेड ऑफ स्टेट भी होंगे और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होंगे. द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट. जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. हमेशा सुनते हो ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का डिसीजन है, कभी नहीं सुनते हो कि अमेरिकन पीएम का डिसीजन है. क्यों? क्योंकि पीएम का डिसीजन वहां है ही नहीं. ठीक है, वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, वहां इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए होता है. ठीक है, तो प्रेसिडेंट वहां पर क्या, स्टेट हेड एंड गवर्नमेंट हेड दोनों है, तो इसलिए जो भी डिसीजन लेते हैं प्रेसिडेंट रहते हैं. ठीक है, द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. यूएस
प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें पीपल डायरेक्ट वोट करते हैं। ही पर्सनली चूजेस एंड अपॉइंट्स ऑल मिनिस्टर्स। अब उसके बाद जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो अपने मिनिस्टर्स को पर्सनली सब खुद चुनते। द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर कॉल्ड द कांग्रेस इन द यूएस। मतलब कि इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं ना, ठीक है, इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं लेजिस्लेचर को, जहां कानून बनता है, तो उसी तरह यूनाइटेड स्टेट में कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी मत समझ लेना, ठीक है, कांग्रेस है, जैसे भारत में पार्लियामेंट नाम है ना, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर मेकिंग बॉडी का, उसी तरह यूएस में कांग्रेस नाम है लेजिस्लेचर का, ठीक है। बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ। तो क्या समझे, देखो फिर से पढ़ रहे हैं, समझो बीच में कुछ और आ गया था ना, टर्म समझाने लगे थे। देखो द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ। जो लॉ बनता है, कानून बनता है, वो तो लेजिस्लेचर के ही थ्रू बनता है ना, वहां का जो लेजिस्लेचर है वहां डिस्कशन होके ही बनता है। बट प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पूरा पूरी पावर रहता है कि वो अपना वीटो पावर यूज कर सके। तो वीटो क्या होता है, वीटो बताते हैं, वीटो पहले भी शायद बता चुके हैं, है ना, यहां पे नहीं, हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन तब वहां बताए होंगे। हिस्ट्री वगैरह रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सारा चीज रिवाइज करो, पूरा सोशल स्टडीज एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। देखो वीटो क्या होता है, वीटो एक पावर है, ठीक है, वेटो पावर जो होता है प्रेसिडेंट के पास होता है, प्रेसिडेंट इसका यूज करके किसी भी बिल को रोक सकता है, ठीक है, उस पावर को क्या बोलते हैं, वेटो पावर। तो ये पावर है ही बिल रोकने के लिए, तो इसे यूज करके वेटो पावर को प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को रोक सकता है, बिल को, ठीक है। आगे देखा जाए, अब आगे पढ़ते हैं। Most importantly, the president does not need the support of the majority of members in the Congress, and neither is he answerable to them. अब देखो most important है, ठीक है, क्या है बात, ध्यान में रखना, presidential form of government में क्या most important है, most important ये है कि जो president है, ठीक है, उन्हें मेजोरिटी ऑफ मेंबर इन कांग्रेस में सपोर्ट नहीं चाहिए। मतलब जैसे भारत में कैसे कानून बनता है पार्लियामेंट में, कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर का सपोर्ट चाहिए तब कानून बनेगा, ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ठीक है, लिखा है ना, नॉट नीड सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी मेंबर इन कांग्रेस, ठीक है, नीदर इज ही एंसरेबल टू देम, और अपोजिशन के लिए एंसरेबल भी नहीं है। भारत में क्या होता है, अपोजिशन है तो उसके लिए आप एंसरेबल है ना, अपोजिशन को आपको बताना पड़ेगा ना, अगर अपोजिशन कुछ पूछा तो, ठीक है, अगर अपोजिशन आपसे कुछ पूछता तो आपको बताना पड़ेगा। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वहां ऐसा कुछ नहीं है, आप एंसरेबल नहीं है, ठीक है। ही हैज अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 years एंड कम्प्लीट्स इट्स इवन इफ हिज पार्टी डज नॉट हैव मेजोरिटी इन द कांग्रेस, ठीक है, और He has fixed tenure, वहां fixed tenure है वो 4 years, यहां भारत में कितना है, 5 है और वहां 4 है। And completes it even if his party does not have majority in the Congress. और जरूरी नहीं है कि आप अगर प्रेसिडेंट बने हैं तो आपका पार्टी का भी मेजोरिटी वोट होना चाहिए पार्लियामेंट में, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपका पार्टी का मेजोरिटी वोट नहीं है पार्लियामेंट में यूएस का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, बस पार्टी अगर मेजोरिटी में रहे या ना रहे उसे फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि जो मिनिस्टर्स है उसे अपॉइंट कौन करते हैं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखो, This model is followed in most of the countries of Latin America and many other ex-Soviet Union countries.
और इस तरह का जो मॉडल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये अधिकतर कहाँ फॉलो होता? लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका कहाँ है ये तुम लोग बताओगे मुझे कमेंट करके। लैटिन अमेरिका कहाँ है कमेंट करके बताओगे। आजकल एकदम इनएक्टिव हो गए हो, कोई भी बात का जवाब वाब नहीं आ रहा। एक्टिव हो, थोड़ा जागो, अब नींद से उठो अब, है ना। लैटिन अमेरिका बताओ कहाँ पे है। गिवेन द सेंट्रलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट को सेंट्रल पॉइंट इसमें मानते हैं, सेंट्रल पार्ट है कि रोल जो है वो कौन प्ले कर रहे हैं, कि रोल प्रेसिडेंट कर रहे हैं प्ले, तो इसलिए इस तरह का गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन कंट्री लाइक आवर्स डेट फॉलो द ब्रिटिश मॉडल। हम लोग किस मॉडल को फॉलो करते हैं? ब्रिटिश मॉडल, याद रखियो। किस मॉडल को फॉलो करते हैं? ब्रिटिश मॉडल। द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ब्रिटिश मॉडल में क्या है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होगा। ठीक है, मतलब यूरोपियन कंट्री जो होगा ना वहां पर ऑलमोस्ट सब जगह प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट वाला में जो होगा अमेरिकन कंटिनेंट में, उधर ऑलमोस्ट सब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, देयरफॉर आवर सिस्टम इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इसलिए हम लोगों का सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम कहलाता। समझे बच्चे, ध्यान दो पढ़ाई पे यार, तुम लोग पढ़ाई कर नहीं रहो, इनएक्टिव हो गए हो तुम लोग। कोरोना वायरस में ना तुम लोग का दिमाग पे ना जंग लग गया, दीमक लग गया, दीमक वाइट एंड, एक्टिव नहीं हो रहे हो। एक्टिव हो, रिप्लाई करो थोड़ा। अभी पूछा है लैटिन अमेरिका, करो रिप्लाई, देखे कितना लोग एक्टिव होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जुडिशियरी। तो जुडिशियरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, नया टॉपिक है स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। प्रेसिडेंट पूरा पूरी कंप्लीट कर दिए, प्रेसिडेंट को रिवाइज करो, अपना नोट्स अपडेट करो, है ना, क्योंकि सबमिट करना है तो अपडेट करो और फटाफट सारे काम करो। ओके, बाय, थैंक यू।